कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक बहुत ही पावन स्थल पे जो नाउ वी गाइस आर बैक विद अनदर ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, होप करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों अभी जो है आज से ना इंदौर में महाशिवपुराण कथा स्टार्ट हो चुकी है वापस से, और अब हम जा रहे हैं वहाँ पर दर्शन के लिए। ओके अभी टाइम हो चुका है 8 बज रहे हैं, तो भाई हम शाम के टाइम जा रहे हैं, कथा वहाँ पे हो चुकी है लेकिन दर्शन के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। वैसे तो पहले अपन माता जी के दर्शन कर लेते हैं। जोर से बोलो गाइस जय माता दी। अभी हम निकल रहे हैं, मम्मी और दीदी और मैं जा रहे हैं। मिलिए दीदी से हमारी, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं आप। हेलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक बहुत ही पावन स्थल पे जो कि हम खुद हमारे इंदौर में आया है। तो आज हम चले भोले बाबा के दरबार में शिव महापुराण की कथा के व्यासपीठ के दर्शन करने के लिए। कथा तो दिन में हो गई है, बाकी डेली दोपहर में ही चल रही है, पर ऐसा पंडित जी कहते हैं कि वहाँ पे कभी भी जाओ अच्छा ही होता है जाना, वो एक ही जैसा माना जाता है। एक जैसा चलते हैं आज हम वहाँ पे, क्या चलिए एकदम रेडी हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं शिवाय। तो ये पांडाल बने हुए हैं और यहाँ पे सामने हो रही है महाशिव पुराण की कथा। मम्मी जी चल रहे हैं अभी और ही सामने हो चुके फाइनली। पूरी भक्तगण की पूरी भीड़ लगी हुई है और मस्त अभी सब रात में यहीं पर ही सोएंगे सबकी सब, और ठंड बहुत खतरनाक हो रही है यहाँ पे।
सरकार की, राधा रानी सरकार की। ये तो कोई ये इंदौर के शेर भी है। बोली बात कभी हरी लाल की, बोली बात कभी हरी लाल की, सरकार की, सरकार की। अभी एक नंबर कम है इधर, देखो मेरी मटक मटक के चाले राधे कमर